हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न पंजाबी विद मंजी। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ सेंटेंसेस। वो हैं, आप आज खाना खाने कहाँ गए थे। जब हमने पूछना होता है किसी से तब हम इसके लिए पूछते हैं। आपके लिए हम यूज करेंगे तुसी। तुसी अज खाना खान कितने गए सी। अभी यहाँ पे खाना, एक तो खाना को हमने बोला है खाना, या फिर पंजाब में ज्यादातर लोग खाना के लिए रोटी वर्ड यूज करते हैं। तुसी अज रोटी खान कित्थे गए सी, या फिर तुसी अज खाना खान कित्थे गए सी। कहाँ के लिए कित्थे, कित्थे गए सी। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, तुमने ये फूल क्यों तोड़े। हमने पूछना है तुमने ये फूल क्यों तोड़े, तब हम बोलेंगे तुसी यह फूल। तुसी यह फूल, फूल जो है वो जब हिंदी में बोलते हैं तो बिल्कुल एक फ्लो के साथ आता है, लेकिन पंजाबी में इसको बोलना है फूल। तुसी यह फूल क्यों, क्यों के लिए हम यूज करते हैं क्यों, क्यों तोड़े। तोड़े वर्ड सेम रहेगा, तुसी यह फूल क्यों तोड़े। नेक्स्ट है, आप रोज बस में दफ्तर जाते हो। बस में भी हो सकता है, बस पर भी हो सकता है सेंटेंस में, कि आप रोज बस पर दफ्तर जाते हो, बस से दफ्तर जाते हो। तो सबके लिए हम एक ही लिखेंगे कि आपके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे तुसी। रोज सेम रहेगा, तुसी रोज बस ते, या फिर बस विच। अगर बस पर वर्ड यूज कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं बस ते, या फिर बस विच, कि तुसी रोज बस विच दफ्तर जाते हो। दफ्तर मीन्स ऑफिस के लिए यूज होता है, दफ्तर जाते, जाते के लिए हम यूज करते हैं जाते। और वो सेम रहता है, वो कहीं पे भी आ जाए किसी भी सेंटेंस में, वो सेम रहता है पंजाबी में। तुम्हारे लिखने का काम कैसे चल रहा है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे तुम्हारे के लिए यूज होता है तुहाडे। तुहाडे लिखन, एक चीज हमें याद रखनी है कि ये जो होता है ना ने, जैसे लिखने, अभी यहाँ पे पहले आया था खाने, मीन्स जो लास्ट वाला ने होता है, इस ने की जगह पे हमने पंजाबी में सिर्फ ओनली न यूज करना होता है। जैसे तुहाडे लिखने, तुहाडे लिखने की जगह पे हम यूज करेंगे लिखन। तुहाडे लिखन दा कम, लिखन दा कम किवें, कैसे के लिए किवें, या किद्दां। और हम इसके लिए किद्दां वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तुहाडे लिखन दा कम किद्दां चल रहा है। ये हमारे एक फ्रेंड थे जो जानना चाहते थे कि कब किद्दां वर्ड यूज होता है, रहा के लिए रिहा। किवें और किद्दां, कैसे के ही दोनों वर्ड जो हैं, दोनों का मतलब सेम है। कैसे, कैसे के लिए हम किवें वर्ड भी यूज कर लेते हैं और किद्दां भी यूज कर लेते हैं, दोनों में फर्क कोई नहीं है। आप कहीं पे भी किवें के लिए किद्दां वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे आपने खाना कैसे खाया, तुसी खाना किद्दां खाया, या फिर आपने तुसी खाना किवें खाया, तो दोनों में फर्क कोई नहीं पड़ा। आप दफ्तर कैसे जाओगे, तुसी दफ्तर किद्दां जाओगे, या फिर तुसी दफ्तर किवें जाओगे, दोनों में फर्क कोई नहीं आया, लेकिन वर्ड अलग अलग है और इनका यूज एक दूसरे की जगह पे आप कभी भी कर सकते हो। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे, यहां पे हम यूज करेंगे कि तुसी मेरा। इंतजार के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है उडीक। और यहां पे सेंटेंस में कुछ चेंज आएगा, जैसे कि तुसी मेरी, यहां पे अभी मेरा था इंतजार, तो जब हमने उडीक वर्ड यूज किया तो ये बन गया मेरी। कि तुसी मेरी उडीक कर रहे सी, कि तुसी मेरी उडीक कर रहे सी। तो क्योंकि इंतजार वर्ड जो है उसके लिए पंजाबी में उडीक वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, पता नहीं हालात कब सुधरेंगे। अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम ये नॉर्मली यूज करते हैं कि पता नहीं हालात कब सुधरेंगे, तो इसके लिए पंजाबी में भी हम यूज करेंगे पता नहीं हालात, या फिर हालत वर्ड भी यूज हो सकता है, और हालात भी। पता नहीं हालात अब कब के लिए हम यूज करते हैं कदों, और सुधरेंगे के लिए यूज करेंगे सुधरेंगे। यहाँ पे ण का यूज होगा, सुधरेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे अगले नेता कौन होने चाहिए। तो हमारे के लिए हम यूज करेंगे साडे अगले नेता, साडे अगले नेता कौन होंगे। कौन के लिए हम यूज करते हैं कौन,
साढ़े अगले नेता कौन होने चाहिए, जब अगर हमने ये पूछा है होने चाहिए तो कौन होंगे के लिए हम यूज करते, अगर होंगे वर्ड होता तब हम बोलते अगले नेता कौन होंगे, होंगे के लिए होंगे होता है और होने चाहिए के लिए हम यूज करते हैं साढ़े अगले नेता कौन होने, न की जगह पे जैसे मैंने लास्ट में बताया था ने की जगह पे हमने ने का यूज करना है बहुत सारी जगह पे, तो यहाँ पे अगले नेता कौन होने चाहिए ने, चाहिए ने, तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे और इस ने की जगह पे आप हन वर्ड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्या मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूं, तो इसके लिए कि मैं तुम्हारे पैसे कल दे देना, कि मैं तुम्हारे तुम्हारे के लिए हम यूज करेंगे तुम्हारे, कि मैं तुम्हारे पैसे या रुपए जो भी आपने यूज करना है कल दे देवा, यहाँ पे हम कल वर्ड भी यूज कर सकते हैं और कल नू जो आने वाला है वहां पे हम नू का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कल नू दे देवा, दू के लिए हम हमेशा देवा वर्ड यूज करते हैं दू। नेक्स्ट है ये पेड़ यहाँ किसने लगाए थे, ये के लिए हम यूज करेंगे एह और पेड़ को बोलते हैं पंजाबी में रुख, एह रुख इथे किसने लगाए सी, किसने सेम रहेगा किसने लगाए सी। नेक्स्ट है हमारे पास तुम घबराओ मत मैं यही हूं, जब हमने ये बोलना होता है तब हम यूज करेंगे तुसी, यहां पे हम घबराओ को सिर्फ हमारा ये वाली जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी कि साउंड चेंज होती है सिर्फ वही चेंज हो रही है और कुछ भी चेंज नहीं आया, यहाँ पे हम घबराओ के लिए डरो भी बोल सकते हैं कि तुसे डरो ना, लेकिन घबराओ वर्ड की जगह पे हम सेम वर्ड यूज कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं घबराओ, तुसी घबराओ ना, मत के लिए हमेशा ना, तुसी घबराओ ना मैं इत्थे ही हाँ, मैं इत्थे ही हाँ, यही हूं, तो दोनों जब यही वर्ड आता है तब हम दोनों चीजें यूज करेंगे इत्थे और ही भी, इत्थे ही सॉरी यहाँ पे होने इत्थे ही हाँ, मैं इत्थे ही हाँ। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।